झाबुआ जिले की मेघनगर पुलिस ने मोबाइल टावर की बैटरी चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह एक मोबाइल ऑपरेटर कंपनी के टावर की 44 बैटरियां चुरा चुके हैं। आपको बता दें कि 5 और 6 नवंबर की दरमियानी रात को भगोर स्थित एक मोबाइल टावर की 44 बैटरियां और 16 और 17 नवंबर की दरमियानी रात को भी अग्राल स्थित मोबाइल टावर की 22 बैटरियां अज्ञात बदमाश चुरा कर ले गए थे। पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता ने पुलिस गश्त बढ़ाने और टीम बनाकर आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 8-9 लोग झाबुआ रोड गारिया नाला पुल के पास छिपकर डकैती की योजना बना रहे हैं। थाना मेघनगर की पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर 6 आरोपियों को पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान 3 आरोपी घटना स्थल से फरार हो गए। फरार आरोपियों की तलाश सरगर्मी से की जा रही है। उनके घर और ठिकानों पर पुलिस ने दबिश दी और सूचना मिलने पर पुलिस ने फरार एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके पास से लाखों रुपए मूल्य की बैटरियां और सामग्री बरामद की गई है। झाबुआ से अल्बर्ट मंडोरिया की रिपोर्ट। सर, क्या कुछ उपलब्धि है क्या पुलिस की? मेघनगर थाना अंतर्गत और थाना कल्याणपुर अंतर्गत दिनांक 5-6 की दरमियानी रात और आपका कल्याणपुरा में 16-17 की दरमियानी रात में जो एयरटेल और जो आइडिया की जो टावर है इसकी बैटरियाँ चोरी की घटनाएँ लगातार हो रही थी। तो इसी तारतम्य में पुलिस ज़्यादा सतर्क थी और पुलिस के द्वारा इसमें इसको गंभीरता से लिया गया और कल मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि कुछ लोग ये गारिया नाला है यहाँ पर डकैती की योजना बना रहे हैं। इसी इसमें हमारे द्वारा टीम का गठन किया गया और जब वहाँ पे दबिश दी गई तो उस टाइम पे हमने 6 लोगों को और 2 वाहन जो लेके आए थे तो उसके साथ उनको हमने गिरफ्तार किया है। उसमें जो गिरफ्तार आरोपी हैं उसमें एक खेमा है, राजेश तोड़िया और दिलीप, राहुल और महेश, ये आरोपी पकड़े गए और उनके 3 साथी मौके से फरार हो गए हैं जिनको भी शीघ्र पकड़ लिया जाएगा। इनके कब्जे से हथियार भी बरामद हुए हैं, उसमें 12 बोर का कट्टा है, तलवार है, फालिया है, कुछ वायर काटने का कटर वगैरह, कुछ पान है, ये सब सारी चीज़ें हमने जब्त की है और 30 और जो फरार आरोपी हैं उनकी भी तलाश कर रहे हैं। उनसे जो वाहन मिले हैं उसमें ये क्या है, जब बैटरी चुराते थे तो उसमें वाहन को भी हुआ था होता है, उसमें एक बोलेरो गाड़ी है और एक महिंद्रा मैक्स गाड़ी है, ये भी इनके कब्जे से जब्त की गई है और भी इनसे कुछ वारदातों पर। सर, इस मामले में और कितने लोग आरोपी हैं जो मतलब भले नाम का खुलासा नहीं हो पर इन्होंने स्थानीय लोग भी क्या इसमें शामिल है क्या? हाँ, इसमें 2 लोग यहाँ के स्थानीय हैं, उसमें एक बिलाल नाम का आदमी है जो इनसे संपर्क में रहता था। जैसे ही उन्होंने वारदात की तो वो आकर के बैटरियों का अपने अपने उसमें ले करके वाहन सहित एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में जा करके उसको बेच देता है। अच्छा सर, वो फैक्ट्री जो चिन्हित की है पुलिस ने, क्या उसको सील करने की कार्रवाई की है, क्या उसके ऊपर कुछ एक्शन ले रहे हैं? वहाँ से माल बरामद हुआ है वो सब हमने सर्च कर लिया है, पूरी उसकी बारीकी से हमने तलाशी ले ली और जो माल हमारे प्रकरण से संबंधित था उसको के पुलिस से जिस प्रकार से आरोपी के द्वारा बताया गया उस हिसाब से पुलिस। तो सर, फैक्ट्री मालिक को आरोपी बनाया गया क्या इसमें? हाँ, फैक्ट्री मालिक उसमें आरोपी चोरी के मामले में। सर, कौन सी फैक्ट्री सर? वो पटवाल इंडस्ट्री है। सबसे सराहनीय कार्य रहा है वो विभागीय अधिकारी पुलिस थामला और यहाँ की पुलिस का और प्लस कल्याणपुरा पुलिस, अंतरवीय पुलिस सभी के द्वारा इसमें योगदान रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।